हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है ना, जिनसे आप इतना प्यार करते हो, तो करेंटली उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके, हिज करंट फीलिंग्स और हर करंट फीलिंग्स, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, आपको मैं ये बताऊंगी। और स्ट्रांग बने रहिए जो भी जर्नी में आप हो, चाहे आप वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर चाहे आप कार्मिक में हो, या फिर सोलमेट जर्नी में हो। हर एक रिश्ते में थोड़ी तो मतलब तकलीफ तो आती ही है, आपको थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, आई नो, बट आपको थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। ठीक है, भगवान करें आपके इशू जल्दी सॉल्व हो जाए। लेट्स सी। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्विन फ्लेम का कार्ड ही आया है, अनकंडीशनल लव। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल साइन है, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा है, कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। तो ऑल साइन वालों के लिए बेसिकली ये रीडिंग है। और सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यू विल गेट थ्रू दिस, मतलब कहीं ना कहीं ये डेस्टाइंड था, ये जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है ये डेस्टाइंड था, और आगे जो रीयूनियन होना है वो भी डेस्टाइंड है। इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जो आपकी किस्मत में है कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये किस्मत का चाल था, आपको उनके करीब जाना है, फिर दूर आना है, कुछ सीखना है, उनको कुछ सीखना है। तो ये सब चीज़ें प्री डेस्टाइंड था, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये चीज़ हुई है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड विद दिस ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कहीं ना कहीं इसको समझने लगे हो कि येस, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। और इस जर्नी में जो है बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। यू नो वन सेकेंड, यस, यू नो, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि आपको समझ आ गया है, जिन लोगों का भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कि चलो दोनों में से किसी एक पार्टनर को तो समझ आ गया, आपको तो समझ आ गया। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं बोलूँगी कि ये जर्नी आपका थोड़ा टफ हो रहा है, लेकिन हमेशा ये टफ नहीं रहेगा, सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। जो भी कार्मिक इशू से आप लोग गुजर रहे हो, जो भी कर्मा फेस करना है, वंस विल गेट द कर्मा, एक बार आप कर्मा फेस कर लोगे तो उसके बाद ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा अनकंडीशनल लव दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत प्यार करते हैं आपको, बट यू नो इनकी मजबूरी की वजह से शादी नहीं कर सकते हैं, या फिर उनकी कुछ और मजबूरी रहा होगा, या फिर रही होगी, वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमेशा एक इंसान अगर आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, उसकी मजबूरी होती है, इसीलिए वो दूर रहता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इश्यूज है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है उनके दिल में बहुत प्यार हो सकता है, क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन के प्रेशर में आके वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। कंडीशंस के साथ लव तो सब करते हैं, शादी करनी है, आगे बढ़नी है, ये वो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लान्स हमारे अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करते, किस्मत हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, हम किस्मत के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी ना हो, जिन लोगों को धोखा मिला है उस धोखे की वजह से बड़ा रिग्रेट ये करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो उनका है कि उनका ऐसा है कि मुझे तुमसे प्यार करना है, चाहे तुम किसी और से प्यार करो, बट आई स्टिल लव यू। लेकिन हो सकता है जो कमिटमेंट तुम्हें चाहिए या फिर जो तुम्हें मुझसे चाहिए वो मैं तुम्हें इंस्टेंटली ना दे पाऊँ, उस चीज़ के लिए टाइम लगे, मैं तुम्हें बहुत टाइम वेट करवाऊँ, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स है। नेक्स्ट हमारे पास है रीचिंग आउट। तो
तो ये तो सबसे बेस्ट कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का ब्लॉक्ड हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल ब्लॉक्ड हो, तो आपके पार्टनर तो बहुत जल्दी आप तक रीच आउट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिन लोगों की सिचुएशन ऐसा है कि ब्लॉक नहीं हो, फिर भी एक ही जगह पे रहते हो लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो किसी कारण के वजह से, किसी रीज़न के वजह से वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। कोई काम हो सकता है या फिर किसी बहाने के थ्रू वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन फेस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका टूटना लाजमी है। आप टूट सकते हो, आपको लग सकता है कि मेरे से नहीं होगा, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही है, सो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस जर्नी, लॉयल्टी, ठीक है। ये लॉयल्टी आपका खुद का, खुद के साथ होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ तो लॉयल हो, ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खुद के साथ भी लॉयल आपको रहना चाहिए, मतलब खुद को इतना तकलीफ मत दो, खुद को इतना ना तड़पाओ। और एक चीज़ है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, किस चीज़ का, आपके प्यार का, आपके लॉयल्टी का, ठीक है। भगवान सब देखते हैं, जो अनकंडीशनल लव आप इनको देते हो, टाइम आ गया है कि सेम अनकंडीशनल लव वो आपको देंगे। आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, आप, मैं बोल सकती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू। यही चीज़, ये जो सच्चाई होती है ना रिलेशनशिप में, आजकल बहुत ज़्यादा खो गई है। लोग सच नहीं बोलते हैं, लोग सही से प्यार नहीं करते हैं, और इस इंसान को ये वर्ड आपका समझ आ रहा है कि हाँ, ठीक है, कि ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता है, सो इसको खोने का मैं चांस नहीं ले सकता या फिर ले सकती। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन होगा वही जो आप चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यू आर रेयर एंड यू आर डिफरेंट। चलो अब कार्ड्स देखते हैं। टैरो से अभी देखना स्टार्ट करते हैं, और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन का आपको लेके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है कि आप लोग एक ही जगह पे, वर्क प्लेस आपका है, एक ही जगह पे काम करते हो, सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई काम में परेशानी हो, कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको लेके कैसे वो आपका कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जनरली फाइनेंशियली कुछ हेल्प एक दूसरे को आप लोग कर सकते हो। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। चाहे आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, दूसरी जगह काम करते हो, अलग अलग, नो मैटर, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि थिंकिंग अबाउट यू लॉट, ठीक है। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, काम के बीच में बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर मी, ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, कैसे इस तक रीच आउट करूँ, कैसे इस तक बात पहुँचाऊँ अपनी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत बिलीव करते हैं सोच समझ के काम करने के ऊपर। एंड मुझे वही चीज़ दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के कुछ कर रहे हैं। कुछ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी गहराई से कोई चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। वो ओवर थिंकर हैं, हर एक चीज़ को बहुत ओवर थिंक करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, तो मुझे ये पर्सन बड़े ओवर थिंकर दिख रहे हैं। एंड इनके ओवर थिंक को आप ही शांत करते हो, लाइक ये जितना ज़्यादा इरिटेटेड चीज़ें सोचते हैं, आप उतना उनको समझा के चुप करवा देते हो कि देखो ये चीज़ इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो रहा है पता है,
अब सिचुएशन ये हो रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही है ना, तो उनकी जो ओवर थिंक है ना वो बढ़ रही है। कोई नहीं है इनको समझाने वाला, कोई नहीं है इनको रास्ता दिखाने वाला। सो डेफिनेटली यही चीज़ हो रही है। सो इनको जो होती है ना कि दिल में आग लगती है, तो कोई शांत करने वाला इंसान चाहिए, तो आप वो इंसान हो। अभी नहीं हो पास में ना, तो बड़ा इनको तकलीफ हो रही है, बड़ी इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, एक चीज़ मुझे ज़िंदगी से काफ़ी अच्छे से पता है, लॉयल्टी इज़ रेयर। जो आपके साथ लॉयल है वो बहुत रेयरली आपको मिलता है। सो उसको पकड़ के रखना चाहिए। जो लोग नहीं रखते हैं दे आर रियली फुलिश, मतलब कि बचकाने हैं, चीज़ समझते नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी और कुछ कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द ब्यूटिफुल एनर्जी इज हियर। मतलब सच में आप दोनों स्ट्रॉन्ग सोलमेट जर्नी से गुजर रहे हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, योर रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एनर्जी दोनों की बिल्कुल इक्वल है। जो प्यार आप करते हो वो प्यार वो भी करते हैं। डिफरेंस क्या है पता है आप दोनों के प्यार में, कि वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। वो अपने प्यार को लेके पकड़ के बैठे हैं, उनके हिसाब से एक्शन लो ना लो प्यार तो है। सही टाइम पे एक्शन लेंगे या फिर जब लेना होगा वो लेंगे। वो ऐसे हैं कि वो बैठे हैं पॉजिटिवली चुपचाप। ठीक है, मतलब दिल में फीलिंग्स है उनको पता है, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे तूफान उठ रही है। वो जितना कामनेस दिखाते हैं ना ऊपर ऊपर कि मैं बहुत काम हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, वो सब झूठ है। कोई कामनेस उनके अंदर नहीं है। वो मतलब वो भी डरते हैं कहीं आप किसी और के साथ लाइफ में सेटल ना हो जाओ, आगे ना बढ़ जाओ। बहुत प्यार है लेकिन बहुत एक होती है ना कि जिद्दी इंसान की तरह चुपचाप बैठे हैं। जब मन होगा एक्शन लेंगे या फिर जब सिचुएशन होगा वैसा वो एक्शन लेंगे। मैं देखूंगी कि वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। वेट, एंड आप किस एनर्जी में हो कि बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों की परफेक्ट जोड़ी है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो आप दोनों। प्यार तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आती है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करोगे ना प्यार तो सिक्योरिटी मिलती है। आप उनको बोलोगे आई लव यू, मैं मुझे तुमसे प्यार है, तो उनको एक असर वो हो जाएंगे कि अस्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है या फिर करती है। जब वो आपको सेम चीज़ बोलेंगे आपको भी टेंशन फ्री रहेगा। आप जो पोजेसिव होते हो, टेंशन होते हो कि किसी और के साथ बात ना कर ले, मुझे भूल ना जाए, आपको भी एक अस्योरिटी मिलती है। ठीक है, सो आप अपने साइड से दे देते हो, बट उनके साइड से जब देने की बारी आती है वो नहीं देते हैं, मतलब अस्योरिटी नहीं देते हैं। दिल में प्यार है उनका, ऐसा है कि प्यार तो है, अब क्या बताऊँ, क्या जताऊँ, क्या वो करूँ। ठीक है, उनका वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो बेसिकली चीज़ें यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेके। वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। वो खुद चाहे गुस्से में 5 बातें बोल सकते हैं लेकिन आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आप कैसे हो उनको पता है। यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन ही और शी एवर नोज। मतलब होते हैं ना कुछ लोग बहुत जेंटल, उनके साथ आप हार्श हो जाओगे तो वो टूट जाते हैं। आप उस तरीके के इंसान हो, तो जितनी बार ये आपके साथ हार्श हुए हैं, रूड हुए हैं, उतनी बार उनको ही तकलीफ हुई है। एंड में जाके उन्होंने ही पछताया है बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, और कमिटमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट से वो डरते हैं, या फिर डरूंगी मैं नहीं बोलूंगी, कमिटमेंट की जल्दबाजी नहीं है। आपको है लेकिन उनको नहीं है। बहुत बार आपने कमिटमेंट मांग लिया वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे। उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन। और तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। Why this person is not taking action? Please, angels, हमें बताएं।
एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आपको भी पता है, लेकिन जो लोग स्ट्रांगली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो लोग देख लीजिए, और बाकी जेन्युइनली जिनको नहीं पता कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं वो देखिए, अदरवाइज जिनको पता है कि हाँ ये रीज़न है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, इसीलिए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये मानो ना मानो सच है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग यहाँ पे घेर के बैठे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो कुछ लोग घेर के बैठे हुए हैं कि कैसा तुम्हारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा, कैसे क्या चीज़ें हो जाएगी हम भी देख लेंगे, ये स्टैंड ले रहे हैं, पीछे स्टैंड ले रहे हैं, रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी हैं, मतलब दूसरे चीज़ों में फाइट करने में बिजी हैं इस रिश्ते के लिए। आपके लिए ना वो दूसरों दूसरी चीज़ें, दूसरे लोग, थर्ड पार्टी, इन सब के साथ फाइट कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा रीज़न है कि थिंकिंग, सोच रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, ठीक है, कब सिचुएशन सही होगा और कब जाके मैं बात करूं। और मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन, कुछ और रीज़न अगर हो सकता है तो। वाओ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, दिस इज नॉट अ वाओ कार्ड, मतलब ये कि स्ट्रांग थर्ड पार्टी, जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, इंट्यूशन आया था, तो यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी या फिर इतना ज़्यादा एक दूसरे मतलब हर्ट हो चुके हो कि जब तक हील नहीं होंगे तब तक एक्शन नहीं लेंगे, उन्होंने ये सोचा है, या तो वो खुद हील हो जाएंगे या फिर आप हील हो जाओगे तब जाके वो एक्शन लेंगे। दो रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रही है, दो से तीन रीजन, ठीक है। थर्ड पार्टी को जब तक नहीं छोड़ेंगे एक्शन नहीं ले पाएंगे, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको वो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं कि आप थोड़ा हील हो जाओ, ठीक है। अब उनको क्या पता कि आप हील उनके आने से ही होगे, उनके बिना आप हील होना आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आने वाले टाइम में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, भगवान करे वो जल्दी ही एक्शन ले और जल्दी ही आप दोनों का रीयूनियन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए। जस्ट प्लीज हमें गाइड करें। चलो मैं दूसरे डेक से देखती हूँ, इस डेक से मैं नहीं देखूंगी, थोड़ा क्लेंस करते हैं कार्ड्स को। लेट्स सी कि ये पर्सन आने वाले टाइम में क्या एक्शन लेंगे, रीयूनियन से रिलेटेड उनके दिमाग में क्या चीजें हैं। फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, और मुझे कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं निकाल देती हूँ। एम्बिशन, किंग ऑफ सोर्ड, हाँ जी ठीक है। रीयूनियन का मैं बोलूंगी कि होगा, लेकिन सिचुएशन क्या रहेगी, एंडिंग्स होगी, एंडिंग मतलब रिलेशनशिप की एंडिंग्स नहीं, जो भी यहाँ पे डिफिकल्टीज है उसकी पहले एंडिंग होनी है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, बिना प्रॉब्लम सॉल्व हुए यहाँ पे रीयूनियन होना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें एंडिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद आपके पर्सन जो है उनका एक स्ट्रांग एम्बिशन ही है आपके साथ आना, रीयूनियन करना, आगे बढ़ना, और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, जो भी मतलब फटाक से डिसीजन लेंगे और आपको बोलेंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्लोली आएंगे, नो, बिल्कुल ऐसे डिसीजन वो लेंगे, स्ट्रांग डिसीजन लेंगे और आपको बता देंगे कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है। रीयूनियन होना है, वो खुद ही आएंगे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो खुद सोच भी रहे हैं, उनका एक दिमाग में भी है कि आना जाना है, बात करना है, ठीक है, वो खुद ही आना चाहते हैं आपके पास, और ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं, बस सिचुएशन सही होना चाहिए, बाकी वो खुद आके ही रीयूनियन से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा लव मैसेजेस देख लेती हूँ फ्रॉम योर पार्टनर साइड, ठीक है।
सो द मैसेज इज लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेट्स सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम. बोल रहे हैं कि चलो हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करते हैं. शायद उनको अक्ल आ गई है, बुद्धि आ गई है कि चलो बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है. सो चलो ये अच्छी बात है, कम से कम वो सोच रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉल्व करने का वो सोच रहे हैं. सो यस, दैट्स इट. ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे. अपना ख्याल रखिए, बाय बाय.